सफर हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए, ये हमें पता है ना। यस सर, यस सर। एक साल पहले किसी फॉर्च्यून लैंडमार्क की वो छत हुआ करती थी, 8 जून 2010 को हम सभी लोग यहाँ बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे। इंदौर में डीएचएल इंफ्राबल स्टार्ट हो चुकी थी, 2 जून को हमने अपने पहले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था, कुछ 14 एकड़ का वो प्रोजेक्ट था और उस 14 एकड़ के प्रोजेक्ट के नाम पर हमने ये विजन लिया था कि इस साल हम कैसे 100 करोड़ का प्रोडक्ट हम सेलिंग करेंगे। कुछ 20-25 लोग बैठे थे, वो 20-25 लोग शायद आपके बीच में आज भी बैठे हुए। कितने लोग थे पिछले, आप खड़े हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट तो बहुत कॉमन सी चीज है, हर आम आदमी समझता है। ऐसा निर्णय लेके यहां पर बैठ के हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और तहे दिल से कहना चाहता हूं कि साथियों, आपने जो स्ट्रेटजी हमने यहां बनाई और जिस तरह से हमने उस पर अमल किया, तो मैंने पिछले वर्ष ये सोचा था कि बिजनेस के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कि शायद एक साल बाद हम 25-30 लोगों की बजाय 50-60 लोगों के साथ हम 100 लोगों के साथ हम एक साल बाद अगले साल के बिजनेस प्लान को करने के लिए हम यहाँ पर कलेक्ट होंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब परसों रात जब अचानक ये डिसाइड किया गया, जब ये खबर आप लोगों को मिली, जो नंबर्स आए वो 100 के बजाय 200 के आए और आप 200 लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, आज हम कुछ भी हंसी मजाक करने के मूड में नहीं है, हम मुस्कुराने के लिए यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम मुस्कुराएं, जिसकी वजह से हमारा परिवार खुश रहे, हमारे घर में खुशियां जाए, और वो हो तो कैसे हो सकता है। आप लोगों से मैं लगातार मिलता रहता हूं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज जो मार्केट में जिंदगी को जीने के लिए जैसा लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि किसने कितनी शिक्षा ली। अगर आमतौर पर आप किसी भी जगह कोई जॉब करने जाता है, कोई कैरियर को लेकर जाता है, कोई बड़ी इनकम अचीव करने के लिए जब कदम उठाना चाहता है, तो उससे एक सवाल पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा क्या है। और आप सभी इस बात के गवाह हैं कि हमने यह तय किया था कि डीएचएल में अगर शुरुआत करनी है तो हमें शिक्षा की जानकारी लेने की जरूरत है। मुझे पता है कि आपके बीच में शायद आप ग्रेजुएट क्वालिफाई हो या आपने मास्टर डिग्री ली हो, कुछ एमबीए कि एजुकेशन के बाद आपने कुछ एक्सपीरियंस लिए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। है एमबीए को, एमबीए क्वालिफाइड कितने लोग हैं यहाँ पर? कुछ 12th पास होंगे, कुछ 10th फेल भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर कैरियर की शुरुआत की है तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि डीएचएल इंफ्राबल्स में आपकी शिक्षा को अगर हमने नहीं पूछा है, आपके एक्सपीरियंस को भी हमने नहीं पूछा है,
तो आज जो कुछ होने वाला है उसमें जो सबसे खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाले ने अगर दो हाथ पैर नाक कान हाथ का अगर इंसान बनाता है तो उसमें बहुत सारी खूबियां बेस्ट कीमती सोच ऐसे बहुत सारी चीजें उसके अंदर रहती है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों हमारे अंदर हमें जरूरत है। अगर आज हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, पेन और पेपर है ना आपके पास? Yes, तो एक पेपर फाड़ लो आप, क्रैश करो, एक पेपर फाड़ के आप अपने हाथ में लेकिन इसमें अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। या मेरे ख्याल से ये इसको ऐसे किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये अगर किसी के भी मन और दिमाग में आता है तो दुनिया के होशियार लोगों ने जो बताया है वो एक ही चीज बताई है कि वो होता है अपने मन का। लिखो आप, आई क्या ये आवाज नहीं आई थी? आपके अंदर है ना? लिखा कागज में उसको? अगर इसको खत्म करना है तो इसके इतने टुकड़े करो कि आपके अंदर रहना नहीं चाहिए। इस ईगो को अपने मन से निकाल दो, इतने टुकड़े कर डालो कि ये आपके जीवन में ये ईगो अगर रह गया, अगर ये ईगो आपके अंदर रहा तो आप जिंदगी में वो तो नहीं कर पाएंगे जो सोच के आपने यहां कदम उठाया। छोड़ा नहीं इसको, कभी ये चीज मैंने की है, आज से 15 साल पहले मैंने ये किया तो शायद आज यहां तक पहुंचा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको इधर उधर फेंकने के बजाय इसको आप कलेक्शन बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे किसी ने बताया था कि अगर घर के लॉकर में ईगो को डाल दिया जाए तो बैंक के लॉकर में पैसे ज्यादा जमा हो जाते हैं। खुशी इस बात की भी हो रही है, पिछले काफी समय से जब हम ये प्रयास कर रहे थे कि सिस्टम के डुप्लीकेसी के सिस्टम में हम हैं तो कैसे नए लीडर्स तैयार हो, जो इंदौर के बाद हम जब एक्सपांशन करें तो बाहर के शहरों में वहां जाके रिप्रेजेंट करें। आपके बीच के रहने वाले, आपके बीच में डे टू डे शेड्यूल में आपके दिन रात जब आपकी जरूरत पड़ती है तो जो लीडर्स आपका साथ देते हैं, जिस शिक्षा की वजह से आज उन्होंने अपने आप को आपके साथ आगे बढ़ाया है, एक एक करके सिस्टम के उस पार्ट पर आपके बीच में आने वाले हैं। हो सकता है आपका उनसे दोस्ताना याराना भी हो, लेकिन दोस्तों वो आज यहां जो बताने वाले हैं वो लीडर्स जिनको आज इस प्लेटफॉर्म पर हम खड़ा कर रहे हैं, वो जो आपको बताने वाले हैं ये कुछ खास लोगों को मिला करती है। हमारे आसपास में अगर बैठे हैं, हमारे मोबाइल अगर स्टार्ट है, कोई बात कही जा रही है, साइलेंट मोड पे हमने रखा है, हमारा ध्यान जाता है कि साइलेंट मोड पे किससे बात हो रही है। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके आज इस पूरे दिन में अपने उस लीडर्स के साथ में इस एजुकेशन प्रोग्राम में हम ऐसी शिक्षा लेके निकले कि
यहां से निकलने के बाद मेरा जो दिल से सपना है कि मैं इस साल कम से कम 100 करोड़पतियों को डीएचएल फैबुल्स के साथ देखना चाहता हूं। दुनिया में पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट बेचने के लिए सिस्टम पर काम किया है। हमने इसकी शुरुआत रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट में की तो जरूरी होती है, जैसा कि शिक्षा इंसान को बड़ा बनाती है वैसे ही रियल एस्टेट में डीएचएल इंफ्राबुल्स जो काम कर रही है उसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा एजुकेशन प्रोग्राम लोगों को हाथ पकड़ के एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। पूरे दिन के शेड्यूल के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको। हम स्टार्ट करते हैं, जयकांत साहब को कहूंगा कि स्टार्ट करें।